नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कुछ आप ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपकी चुप्पी भी। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। किन्नर, हमारे समाज में थर्ड जेंडर एक महान चीज है, ये इनका अपमान न करें। क्या चीज है वो जो किन्नर किसी को जल्दी नहीं देते हैं, और यदि दें तो कह लीजिए कि आप बन सकते हैं रातों रात करोड़पति। करोड़पति न सिर्फ पैसे से, बल्कि करोड़पति आप परिवार से, सुख से, समृद्धि से, सब में, शांति में भी करोड़पति होंगे। इतनी शांति होगी आपके मन में इस चीज को हासिल कर लेने के बाद। किन्नर जब हमारे घर आते हैं तो खुशी के प्रतीक होते हैं। जब हमारे घर में खुशियां होती है, ढोल बजते हैं, शिशु का जन्म होता है, नई दुल्हन आती है, शादी होती है, बाजे बजते हैं, तब किन्नर आते हैं, नृत्य करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और देते हैं अपना भर भर कर आशीर्वाद। कुछ लोगों के विचार किन्नरों के प्रति अच्छे नहीं है। किन्नर से घबराते हैं, कहीं ये श्राप ना दे दे, कहीं ये कोई चीज चोरी ना कर ले, कहीं ये हमसे ज्यादा सारा पैसा ना मांग ले, ये बेकार है, ये झूठे हैं, नकली है, इस तरह की बातें कहते हैं ज्यादा करके भाइयों। बहनों कम, मैं भाइयों को ज्यादा कहना चाहूंगी। मैंने कई ऐसे पुरुष से मैं मिल चुकी हूँ, कई ऐसे पुरुषों को मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है जो किन्नरों से बिल्कुल हे दृष्टि रखते हैं। आज उन तक यह संदेश पहुंचा रही हूँ, नहीं है आपके पास धन देने को, कोई बात नहीं, मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। किन्नर अगर आपके घर भी आए तो उनको कुछ मत दीजिए, कि तो भूल कर भी कोई ऐसा अपशब्द ना कहें कि उनका हृदय आहत हो जाए। कोई ऐसी बात उनसे मत कहिए कि उनका दिल दुख जाए। आपके पास नहीं है धन, या है आप देने के इच्छुक नहीं है, ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिए। दीदी कहते हैं, माता कहते हैं, भाई कहते हैं, जो आप उन्हें कहते हैं, कहिए कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। इतने दयालु होते हैं किन्नर कि आपसे लेंगे भी नहीं, उल्टा यदि आप मांग लेना तो वही पैसे निकाल कर आपको दे देंगे। वो चीज होते हैं ये। प्रकृति ने अद्भुत चीज बनाई है, ईश्वर ने, महादेव ने अद्भुत रचा है किन्नरों को, एक ऐसी शक्ति के साथ। ये थोड़े अगम जाने तो होते ही है, आपके घर खुशहाली आने लगेंगे, किन्नर आपके घर मंडराने लगेंगे, पुत्र पैदा होगा, पुत्री पैदा होगी, नई बहू आएगी, किन्नर आपके घर आते हैं। और जो आशीर्वाद देते हैं हृदय से, सच्चे मन से, एक बात मान लीजिए, वह आशीर्वाद सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है। यदि आपके घर किन्नर ना आए, पड़ोस में ढोल बजा रहे हो, कहीं किसी को पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है और वहां किन्नर आए हो, आपकी इच्छा हो रही है कि मैं भी जाऊं, उसे दान दूं, मैं भी देखूं, उनका नृत्य देखूं, उनसे आशीर्वाद दूं, अवश्य जाइए। या पूछने सोचने की आवश्यकता नहीं कि पड़ोस वाले ने मुझे बुलाया नहीं, आप पड़ोसी से मिलने थोड़े ना जा रहे हैं, आप किन्नर के पास जाइए, यथासंभव उन्हें दान दे, उनका आशीर्वाद जरूर लें। यदि कोई छोटा बच्चा आपके घर में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा रहा, उसका दिमाग भटक सा जाता है, आप किन्नर को उससे कुछ पैसे दिलवाएं और उसके सर पर हाथ जरूर रखवाएं, और देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से इसका दिमाग फिर सा जाता है। कुछ बातों का कोई जवाब नहीं, कुछ बातों के पीछे कोई लॉजिक नहीं, बस एक आस्था है, महादेव की रचना है ये किन्नर, इनका अपमान भूल कर भी ना करें। क्या ऐसी चीज है जो किन्नर से आप यदि ले लें खुशी से, उनकी मर्जी से, तब आप बन सकते हैं रातों रात करोड़पति। मित्रों, यदि बुधवार के दिन अचानक से आपको किन्नर दिख जाए, बिल्कुल आपका प्लान कोई ना हो, आप सोचे नहीं, जहां हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वहां आस्था टूट जाती है, और हम अपने षड्यंत्र रचने लगते हैं, आज मैं ऐसा करूंगा, घर में ही सोच लेते हैं, नहीं। यदि संजोग से बुधवार के दिन आपको कोई किन्नर दिख जाए, अपनी जेब से पैसे निकालें जितना आप सक्षम हो। मैं नहीं कह सकती आपको हजार रुपए देने हैं, जितना आप सक्षम हो आप किन्नर को अवश्य दें, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करें कि वह एक सिक्का, एक रुपए का एक सिक्का अपने दांत से लगा के ऐसे सटा कर आपको दे। यदि वो प्रसन्न मुद्राओं में है, उस एक सिक्के के बदले आप 100 दे दे उन्हें, 200 दे दे, जितना सक्षम है आप उन्हें दे दे, वो एक सिक्का आप उसको दांत लगाकर जरूर देंगे। यदि वो सिक्का आपको मिल जाता है और बुधवार को मिल जाता है, तब समझिए कि खुल रहे हैं आपके नसीब के द्वार। आप घर लाइए उस सिक्के को, पानी से बिल्कुल ना धोए। कुछ लोगों का मानना है उन्होंने दांत में सटाया था तो झूठा हो गया।
बिल्कुल ना धोले ये गलती ना करें। उस सिक्के को आप घर लाए एक लाल रेशमी कपड़ा में, सुनहरा चमकीला जो कपड़ा होता है, लाल यानी मलमल का शैटन का जो कपड़ा होता है, उसमें उसे फोल्ड करके बांध कर गठरी बना दे और जहाँ धन की तिजोरी है आपकी, चुपचाप से उसे पवित्र चीज समझ कर रख दे। रखने के बाद ये बात किसी को ना बताएं, घर में रोज इसकी चर्चा ना करें। आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, तिजोरी में आरती दिखाते हैं, वो दिखाएं और उसे बरसों बरस रहने दे। मित्रों, साल पुरते पड़ते जो भी कामना है आपकी, घर बना रहे हैं आप, पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, घर बन जाएगा। विवाह तय है, लड़की का पैसे की वजह से नहीं हो पा रहा है, विवाह संपन्न हो जाएगा। ये एक वर्ष जो होता है ना, ये अद्भुत चमत्कारिक होता है यदि किन्नरों से आप वो एक का सिक्का खुशी से बुधवार के दिन ले सके। क्या ऐसी चीज है जो हमें किन्नरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए? कई बार होता है कि किन्नर हमारे आते हैं और हमारे नई नई साड़ियां रखी होती है जिसे अब हम पहनते नहीं है, बहुत कम पहना हमने, पड़ा हुआ है, और किन्नर अक्सर साड़ी मांगते हैं तो हमें ऐसा लगता है चलो यही साड़ी दे दो, हम तो पहनते नहीं है, उसके लिए नई हो जाएगी। मेरी बहनों, भूल कर भी ना करे ये कार्य, अपने शरीर का उतारा हुआ कपड़ा भूल कर भी किन्नर को ना दे। आप बिल्कुल कम पैसे वाली साड़ी दें, जितनी सक्षम है आप उतनी दें, पर किन्नरों को हमेशा नया वस्त्र दान करें। किन्नरों को अपने हाथ की उतारी हुई चूड़ी, कभी कभी नई नई चूड़ी होती है, किसी का गुजर जाने के बाद हम उतार कर रख देते हैं कि वो तो छुटका वाला चूड़ी हो गई, और किन्नर आते तो लगता है ये बिल्कुल नया है, जिन्हें दे दो, या बहुत उब गए जिसे पहन पहन कर वो दे दें। भूल कर भी अपने हाथ का उतारा हुआ ये चूड़ी कंगन किन्नरों को दान ना दे। चाहे कांच की सिंपल सी चूड़ी खरीद कर क्यों ना दे दे उन्हें, लेकिन हाथ की उतारी हुई चूड़ी ना दे। तीसरी और जरूरी चीज, शायद आप ना भी देते हो, फिर भी ज्ञान के लिए समझ लीजिए कि कभी भी किन्नरों को हमें झाड़ू दान नहीं करना। फूल झाड़ू हो, नारियल झाड़ू हो, भूल कर भी किन्नरों को झाड़ू का दान ना करें। किन्नरों को प्रसन्न रखें, उन्हें नमन करें, कोई ऐसा अपशब्द ना कहें उनके लिए। यदि आप सक्षम नहीं है तो हाथ जोड़ लें, लेकिन उन्हें उनका दिल ना दुखाएं, वरना तो बड़े फेरे लग जाएंगे आपको। आपकी कुंडली को कौन कौन से ग्रह प्रभावित करेंगे ये फिर समझ पाना मुश्किल हो। एक बात और है, यदि आप नव विवाहित हैं, आपके घर में कोई बहू आई है, और तब आप किन्नरों को अपने घर अवश्य आमंत्रित करें और उन्हें नृत्य करने के लिए भी आग्रह करें, उन्हें सफेद चावल मतलब अरवा चावल का दान करें और चावल में 7 सिक्के छुपा कर दें जो किन्नरों को पता ना चले। फिर वह जब चावल खोलेंगी तो उन्हें सिक्के मिल जाएंगे, लेकिन 1 kg 1.25 kg चावल में 7 सिक्के छुपा दें और चावल का दान नई बहू से करवाएं। ऐसा करने से किन्नर खुश हो जाते हैं और आपकी बहू के जल्दी ही गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेंगे, आपको पोता पोती के खिलाने का मौका मिलेगा। ऐसा बहुत बार मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि साल पुरते पुरते वो औरत जरूर माँ बन जाती है जो शादी के बाद किन्नरों को बुलाकर एक बार चावल में 7 सिक्के छुपाकर दान करती है। किन्नर अद्भुत होते हैं, प्रकाशमय होता है इनका जीवन, इनके चेहरे पर जो तेज होती है ना, कहते हैं अच्छे से भर नजर बुधवार के दिन यदि किन्नर को देख लिया जाए, शुक्रवार के दिन भी यदि किन्नर का चेहरा अच्छे से आंखें खोल के भर नजर देख लिया जाए तो भी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है हमारे ऊपर। यदि किन्नर बहुत दूर से गुजर रहे हो, आप सक्षम नहीं है ना उनसे बात करने के लिए, ना उन्हें पैसे देने के लिए, मन ही मन जैसे हम मंदिर को देखकर यहीं से प्रणाम कर लेते हैं ना, कोई मंदिर जाना जरूरी नहीं है, गुजर रहे हो कोई भी मंदिर दिखा तो हम ऐसे करते हैं, तो यदि किन्नर दिख जाए आप ना करें ऐसे, कर सकते हैं तो करें, आपको शर्म आती है कोई देख रहा है किसी मैंने प्रणाम किया, तो आप हृदय से मन ही मन किन्नर को एक बार प्रणाम अवश्य कर ले, कोई ऐसा अपशब्द ना कहें। और यदि आपके सामने कोई किन्नर का मजाक उड़ा रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तो उसे ध्यान से बैठकर सुने नहीं, उसका भी दोष आपको लगता है, आप उसे काटें, उसे रोकें उस बात को, और उसे कहे भी आग्रह करें कि ऐसा ना करें, वो आपकी बात सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप ये निषेध अवश्य लगाएं कि कृपया किन्नरों का अपमान ना करें और मेरे सामने तो बिल्कुल ही नहीं। ऐसा करने मात्र से भी किन्नरों की दुआ लगती है आपको। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। किन्नरों का करें सम्मान, पाएं उनका भर भर कर प्यार और आशीर्वाद, और देखिए कैसे आपका भाग्य आपका जीवन बदल सा जाता है। आज के लिए इतना ही। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।